यूपी के फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को धर दबोचा। बाइक सवार युवक बिना मास्क लगाए जा रहा था, जिसके पास से मीट से भरा बैग भी बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और मीट के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। मैं पुलिस बल के साथ नवाबगंज चौराहे पर जी जो बिना मास्क के लोग टहल रहे थे और जी। उनको रोकने के लिए के साथ लोगों को रोक रहा था जी। और इसमें एक व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल से बिना मास्क लगाए जी निकला, तो उसको जब रोका गया तो उसके बैग से कुछ मीट जी बरामद हुआ। क्योंकि मौके पर थाने की पुलिस भी थी जी, तो उसने उस व्यक्ति को अपने साथ मीट के बैग जो पकड़ा हुआ था जी उसके साथ वो अपने थाने ले गए और वो विधिक कार्रवाई कर रही है। तो पत्र के रूप में सूचना प्राप्त होने के बाद जी सर जो पकड़ा हुआ मास था जी उसका सैंपल कर जी रील कर थानाध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया जी सर। तो इसका सैंपल कहाँ सर भेजा जाएगा? ये सैंपल आगरा जाएगा फॉरेंसिक लैब। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन जारी है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन के साथ साथ उन संस्थाओं का भी अहम योगदान है जो अपने स्तर पर हर गरीब और जरूरतमंद को खाना खिला रहे हैं। रेवाड़ी में नई अनाज मंडी व्यापार मंडल, श्री श्याम दीवाना मंडल और घंटेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति जैसी अनेकों संस्थाएं अपने खर्च पर लॉकडाउन की इस घड़ी में 15 दिनों से निस्वार्थ भाव से सेवा करने में जुटे हुए हैं। पूरे देश में महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी समस्याएं चल रही है। तो अभी कुछ ऐसे लोग हैं आसपास शहर में जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और वो लॉकडाउन की वजह से सारा परिवहन विभाग, रेल यातायात या जो है बस यातायात सारा रुका पड़ा है, इस वजह से वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। तो उनको अभी जो है रेवाड़ी व्यापार मंडल ने देखा, हमने भी ऑब्जर्व किया कि वो लोग खाने के लिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो रेवाड़ी व्यापार मंडल की तरफ से और प्रधान जी अपने राधेश्याम मित्तल भाई, तो इन लोगों ने भी सारे मिलके और व्यापार मंडल ने मिलके प्लान किया कि भैया जो जिन लोगों को खाने में समस्याएं हैं तो उनके लिए क्यों ना निस्वार्थ भाव से निःशुल्क जो है बगैर किसी लोभ लालच के और इन लोगों को खाना खिलाया जाए। ये लॉकडाउन जिस दिन हुआ था उससे दूसरे दिन से प्रोग्राम चल रहा है और आगे चलने की फिर भी इच्छा है, जब तक फिर भी इच्छा होगी जब तक चलता रहेगा। रेवाड़ी व्यापार मंडल की जो मिलने जुलने वाले जो देखे जाते हैं तो मांगना किसी से है नहीं, दे जाए तो किसी को ना नहीं है। ठीक है, अपनी जो सेवा हो रही है वो कर रहे हैं लगातार और जब तक होती रहेगी करते रहेंगे। सुबह चावल और सब्जी दया और शाम को रोटी सब्जी, जैसे कढ़ी है सुबह चावल के साथ, मिक्स सब्जी है, शाम को रोटी है, सब्जी है, ये हमारे तरफ से चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और उपचार को लेकर प्रशासन ने आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज अस्पताल को टेक ओवर कर लिया है। जौहर विश्वविद्यालय के अस्पताल में 400 बेड में से 100 बेड प्रयोग की अवस्था में है, तो वहीं मरीजों के उपचार से लेकर ओपीडी, दवाओं के स्टॉक करने, डॉक्टर और अन्य स्टाफ के रहने खाने आदि की भी व्यवस्था की गई है। जिले में प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन ने जिले के 9 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद अब प्रशासन ने लोकसभा सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले और विवादों में चल रहे जौहर विश्वविद्यालय और उसमें स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी टेक ओवर कर लिया है। जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बीतता जा रहा है, ज्यादा लोग घरों में रहकर यही सोच सुकून महसूस कर रहे हैं कि दरभंगा में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे घरों से बेवजह बाहर निकलकर न सिर्फ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि कोरोना जैसे महामारी को भी निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए दरभंगा के SSP बाबूराम खुद पूरे लाओ लश्कर के साथ एक बार फिर सड़कों पर उतरे और बिना किसी कारण मटर गश्ती कर रहे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की। इस दौरान तकरीबन 300 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। उसके अलावा आधा दर्जन से ऊपर दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जबकि कई लोगों को ऑन द स्पॉट ही सजा दी गई।
सीमा को हम लोगों ने सील करने के लिए 13 जगह पे अंतर जिला चेक पोस्ट बनाया है, जहां 24 घंटे तीन शिफ्ट में फोर्स ड्यूटी कर रही है, वहां सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा भी जो लिंक रोड हैं वहां भी ब्लॉक किया गया है, और जिला के अंदर में लॉकडाउन को अनुपालन कराने के लिए DSP से लेकर SHO तक सभी लोग रोड पर हैं, और सभी को सख्त आदेश है कोई भी वाहन अनधिकृत रूप से बाहर रोड पर नहीं पाया जाना चाहिए, और अगर मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करके कोई वाहन पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा जो व्यक्ति रोड पर पाए जाएंगे, अगर उनके पास समुचित कारण नहीं होगा लॉकडाउन में बाहर निकलने का, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बलिया में बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद बैंक पर लोगों की भीड़ देखने को मिली, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर एक जगह पर इकट्ठे हो गए। इलाहाबाद बैंक पर होमगार्ड का जवान तैनात है। इसके अलावा ये बैंक कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर है, बावजूद इसके वहां सरेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कराने के लिए रोज नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए बौंडी थाने की पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। पुलिस के नेतृत्व में यमराज के रूप में रामलीला के कलाकार यमराज की वेशभूषा में लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क कर रहे हैं। यमराज आम जनता को लॉकडाउन पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को गाँव-गाँव जाकर जागरूक कर रहे हैं।